डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा अर्जुन मुंडा जो हमारे राज्य के पूर्व सीएम भी और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर कई एक ऐसे आरोप एनजीटी के दिए हुए कंप्लेन के ऊपर लगाए गए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप, क्योंकि आप इस राज्य के एक बहुत कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा से यही नीति रही है, और इसमें जहाँ तक डॉक्टर अजय कुमार जी की बात करें तो वो अभी तो राजनीति के मैदान से गायब थे काफ़ी समय से, फिर अभी चुनाव नज़दीक आया है तो वो सक्रिय हो गए हैं, अब उनको चुनाव लड़ना है। ऐसे में वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने अनाप शनाप बयानबाजी जारी कर रहे हैं। उनको पता है, उनको अच्छी तरह पता है, वो जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है कि अर्जुन मुंडा बहुत साफ सुथरा छवि के नेता हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड में, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं 5 साल, सांसद भी रहे हैं, उनका बहुत अच्छा छवि है, साफ सुथरा छवि है, ईमानदार नेता हैं, और उनका उनकी छवि को धूमिल करने का काम ये डॉक्टर अजय कुमार कर रहे हैं। वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। जिस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया, जो आरोप उन्होंने लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल सिरे से उसकी हम निंदा करते हैं। उस बयान की उसको हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, आज हमारी बैठक भी हुई थी, सारे लोगों ने उस पर एक प्रस्ताव पास किया और उस बयान का उनका निंदा किया गया, कड़े शब्दों में निंदा किया गया कि ये अर्जुन मुंडा की छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है। जो उन्होंने आरोप लगाया कि मुंडा जी पत्र लिखकर नदी के किनारे जो बस्ती है उनको उजाड़ने के लिए उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ लिखा था कि बिल्डर जो वहाँ पर में कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, जिसका सारा गंदगी और जिसका सारा ये जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिससे नदी के अस्तित्व को खतरा है, और उसको रोकने के लिए उन्होंने वो काम किया था, ना कि बस्ती को मिटाने के लिए, बस्ती को तोड़ने के लिए काम उन्होंने लिखा था, लेकिन उसी को दूसरा तरह से तोड़ मड़ोड़ के बयानबाजी कर करके ये लोकप्रियता पाने का काम किया जा रहा है। जी, तो इसमें सरजू राय जी का भी नाम आ रहा है, और उन्होंने अर्जुन मुंडा जी को कहा, और उन्होंने ये बात भी कही कि अर्जुन मुंडा जी ने स्वीकार किया कि हाँ मैंने एनजीटी को चिट्ठी लिखा था, तो आप उस चिट्ठी के मैटर्स को बता रहे हैं कि वो मैटर में ये था कि भाई वहां बिल्डर्स जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके कचरे को उसमें न फेंका जाए जिससे नदी प्रभावित हो, उसका बहाव रुके, चाहे उसमें बाढ़ की समस्या आ जाए। तो सरजू राय और अर्जुन मुंडा के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, उस आरोप का तथ्य क्या है? आरोप का तथ्य है कि वो बिल्कुल बिल्कुल बेबुनियाद तथ्य है। वो बिल्डर के विरुद्ध में था, वो बस्ती वासियों के विरुद्ध में बिल्कुल नहीं था। जी, तो आप बस्ती वासियों से क्या कहना चाहेंगे? बस्ती वासी इत्मीनान रखें, उनके विरुद्ध में कुछ भी नहीं है, तो सरकार तो आज उन्हीं की है, हमारी सरकार तो है नहीं, हमारी सरकार तो नहीं, पिछले 5 सालों से तो कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो हम लोग तो, हमारी सरकार तो कुछ इसमें नहीं कर रही है, लेकिन उनको चूंकि एक मुद्दा बनाना है, अपना लोकप्रियता पाना है, चुनाव लड़ना है, पब्लिक को भटकाना है, गुमराह करना है, इसलिए इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं। जी, तो इसमें खास करके जो उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार जी ने मुद्दा उठाया कि एनजीटी की चिट्ठी थी कि उन लोगों का मकान तोड़ दिया जाएगा, खासकर निर्मल नगर, आपका भुइयाडीह, निर्मल नगर और जो भी उससे मतलब मानगो ब्रिज से लेकर, भुइयाडीह से लेकर और लगातार बारीडीह तक के जितने सारे मकान हैं जो नदी बेड में बने हुए हैं, नदी के बीचों बीच बने हुए हैं, उनको उन्होंने कहा कि इन लोगों को टारगेट किया गया है, और अर्जुन मुंडा जी ने पत्र लिखा था और वो पत्र में लिखा था कि उनका जो भी नदी का जो ये है बेड है उसको तय किया जाए एनजीटी के द्वारा, और जो भी नदी को अतिक्रमण किए हैं उन अतिक्रमणकारियों को नदी के बेड से बाहर किया जाए। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस चिट्ठी में अतिक्रमण को हटाने के लिए बात हुई थी या बिल्डर के साथ कार्रवाई करें उसके लिए बात हुई थी? नहीं, बिल्कुल बिल्डर के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात हुई थी, बस्ती वासियों के ऊपर, बस्ती वासियों का घर तोड़ने के लिए, बस्ती वासियों के लिए कोई भी बात नहीं ऐसी लिखी गई थी, ना उसे कोई कार्रवाई की करने का बात कहा गया था ना उठाया गया था। जी, तो निर्मल नगर, छाया नगर और भुइयाडीह के सभी लोगों को आप अपने शब्दों में क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे अर्जुन मुंडा जी की तरफ से भी और अपने तरफ से भी?
बिल्कुल साफ कहना है कि वो उन लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, भड़काने का काम किया जा रहा है, इस तरह का बयानबाजी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करके, चुनाव चूंकि नजदीक है, चुनाव में उनको चुनाव लड़ना है और इसलिए वो इस तरह से, चूंकि देखिए उनको लोकप्रियता पाने के लिए किसी एक बड़े नेता को पकड़ना है। अर्जुन मुंडा जी आज झारखंड के सबसे बड़े दिग्गज नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, और सिर्फ झारखंड के नहीं राष्ट्रीय नेता है, उनका राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान है, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पहचान है उनका, और वो उसको पकड़ के अगर वो किसी तरह का बयानबाजी करते हैं तो जल्दी पॉपुलरिटी हासिल करेंगे, जल्दी पॉपुलर होंगे, इसलिए उन्होंने उनका नाम को यूज़ किया, इस्तेमाल किया है, उनके नाम को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, इसमें सच्चाई तक कहीं पर नहीं। जी धन्यवाद।